तो भाई इत्तेफाक ये हुआ कि हम आ रहे थे और गेट बंद है, ये फिर से लेट गया। ये फिर से उल्टा लेट गया। ये YouTube पाई मेरे को, ठीक है, मैं YouTube पे स्ट्राइक मारूंगा। मैं निकल लिया और साथ में मेरा मैट। तो हेलो गाइज, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय श्री राम चरण है। तो भाई आज है अपना 75 वर्ड का 40वां दिन। तो सुबह की सारी जरूरी प्रक्रियाएं होगी ख़त्म, अपने पावा साहब का वेट कर रहा हूँ। पावा साहब आ रहे हैं। पावा साहब कौन से हैं तुमने एक बार बता दूँ? पावा साहब हैं जो अपने टेम्प्रेरी पार्टनर है ना शाम को जिम में। तो उन्होंने मेरे को कहा कि भैया मेरे को सुबह भी शुरू करना है, वेट रिड्यूस करना है। तो मैंने कहा सुबह उठा तो मैं तुम्हें बेटा 5 बजे आने वाले बनो। तो आज मैंने उनको उठा दिया था 5 बजे। अब देखते हैं कितनी देर में आएंगे। और टाइम हो गया 5:35, यानी आधा घंटा हो गया उनको उठे हुए। और उन्होंने बोला कि मैं निकल रहा हूँ घर से पैदल पैदल। तो उनके घर से जो है मेरा जो पार्क है सामने वाला, तो उसकी जो डिस्टेंस है वो वॉकिंग डिस्टेंस है मात्र 10 मिनट की। तो भाई 5-7 मिनट तो हो गए उनके निकले हुए। बाकी मिलते हैं, मुलाकात करवाते हैं आपको पावा साहब की लाइव। पावा साहब से मिलो। हाय फ्रेंड्स, हाय फ्रेंड्स, हवा निकल रही है। फाइनली वी गॉट फ्री मैट। तो अपना ही है, मैं और मेरा मैट फिर से निकल लिया घर की तरफ। तो भाई रूम पा लिया था, हरना लिया, हरी पीऊंगा प्रोटीन अपना। एनर्जी से आ जाओ प्रोटीन पी के, एक नंबर प्रोटीन है। नाम नहीं बताऊंगा जब तक कंपनी स्पॉन्सर नहीं करेगी। बड़का रहे हैं, बड़का ही फोन आ लिए। अरे जिम में जाऊंगा भाई सीधा। क्या जिंदगी बन गई है। जिम तो लिए भाई फरीब अपने पड़कन एक्सरसाइज करवा के ने गन्ना जूस पी के लिए उठू सीधा ऑफिस का। नहीं बेटे क्या कर रही है? बेटे सुनी सी फोटू है तेरी छुट्टी, सुनी सी फोटू दे रहे सुना छोरा सुनी छोरी हो तो बताओ। इस खातर दो बाल क्या बाप है। अरे एक इससे गणेश उतरी सी लुगाई है इस पर। काफ़ी दिन हो गए लंच में खाओ आज अपने भाई की बिरयानी वेज वाली। सो भाई ऑफिस तो लिया फरी और आज बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। काम भी बहुत करे हमने लेकिन इसका फल भी मिला। पूरे हरियाणा में दूसरा नंबर पे हूँ मैं आज, तो बड़ी खुशी की बात है मेरे खातर यार। क्योंकि हरियाणा में कम से कम मेरे ख्याल में 70-80 बालक तो काम करते होंगे और उनमें तो मेरी पोजीशन दूसरी है आज। तो इट्स अ ऑनर फॉर मी। तो भाई अभी फटाफट तली कड़वाड़ते हैं ऑफिस से और सीधा जाऊँगा अपने राम आया तो केले या फिर सेब, इनमें से एक चीज़ लेऊँगा खरीदूँगा, इनमें से एक चीज़ खरीदूंगा, ठीक है। उसके बाद मैं फिर ब्राउन ब्रेड लेकर ना अपने रूम पर मिलेंगे सीधे। बाय।
सो भाई हो गया अपने जिम खातर रेडी, मैं चेंज कर लिया और 5-7 मिनट लेट भी लिया, मतलब रेस्ट कर लिया और जिम ले कूँगा भाई, सीधा जिम में मिलूँगा तुमने सारे ने। रात के बज के 9 और अपन है जिम की सीढ़ियों में। अब दिखाता हूँ जिम में कितने लोग आए हुए हैं। 9 तो बजे ही नहीं है, 10-12 मिनट रहते हैं 9 बजने में। और दिखाता हूँ जिम में कितने लोग हैं आपको। ये देखो सिर्फ मैं और मेरा बैग। इनके काम देख लो, आते ही उल्टे लेट गए हैं। देख लो आते उल्टे लेट गए। और इन भाई साहब को कोई इंटरेस्ट नहीं है, ये अपने सीए साहब है, काफी दिन बाद में मुलाकात हुई है। अभी देखना दोबारा लेटेंगे। ये फिर से लेट गया। ये फिर से उल्टा लेट गया। ये यूट्यूब पाई मेरे को, ठीक है मैं यूट्यूब पे स्ट्राइक में रॉकर हूँ। आप वर्कआउट हो गया भाई अपना खत्म आज का, और स्वेटिंग थोड़ी कम हो गई क्योंकि मौसम में थोड़ा चेंजेस आ गए, तो मौसम थोड़ा ठंडा हो रहा है। और भाई इब अपना चिराग मैंने छोड़ने जाओ रूम पे, क्योंकि जो मेरा बाइक है वो ले गया दिव्य कुमार अपना कैमरामैन। भला सवेरे सवेरे आप लेना हो इतनी दूर में ठंड में, तो एक काम करता हूँ आप सुबह पार्क में चले जाना, इतने मैं आ जाऊँगा पीछे से बाइक लेके शूट करने के लिए। तो भाई दिव्य कुमार बाइक ले गया है, तो अभी चिराग मेरे को मेरे रूम पर ड्रॉप करेगा और प्रोटीन पी के। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। बुक पढ़ेंगे आप अपनी। भाई साहब बोले मैं छोड़ाता तेरे को, पिछला टायर ही पंचर है। मैंने कहा मैं छोड़ाता तुम्हें, अब इनको पैदल पैदल छोड़ के फिर मैं पैदल पैदल आऊँगा। कैसा लग रहा है पूछो। मेरी स्कूटी नहीं है, इसकी है। स्कूटी किसी की हो चाहे किसकी ना हो, पैदल चल के कैसा लग रहा है विद स्कूटी। अब तो पैदल अकेला चलना ही मुश्किल हो रहा है, साथ में ये और चला के लेके जा रहा है। भाई टायर फट जाएगा इसका। तो भाई इत्तेफाक ये हुआ कि हम आ रहे थे और गेट बंद है, भाई साहब ने डिसाइड किया है स्कूटी यहीं खड़ी कर देंगे और पैदल पैदल दीवार फांद के जाएंगे ये, और मुझे अपना पैदल पैदल वापस होना है। इनको दिया मैंने छोड़, सोचा था थोड़ा जल्दी फ्री हो जाऊंगा तो जल्दी रूम पे पहुंच जाऊंगा। उनको बोला मैंने कि मुझे छोड़ाओ, और इत्तेफाक देखो वो खुद ही पैदल जा रहे हैं। सो भाई अभी मैं जाऊँगा सीधा रूम पर और जाके पीऊँगा प्रोटीन और पढ़ेंगे अपनी बुक।